लौट चलिए 29 साल पहले, साल 1992। ये वही साल था जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और पार्टी को विस्तार देने में जुट गए। इसके एक साल बाद ही चुनाव से ठीक पहले मुलायम ने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसमें तमाम समझौते हुए थे। सपा बसपा ने हवाओं का रुख बदलते हुए सरकार बना ली थी। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। एसपी और बीएसपी की साझे की सरकार चलना यूपी में शुरू हो गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1995 के शुरुआत तक सब अच्छा रहा, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, जिसके बाद कांशीराम के कहने पर मायावती ने एसपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। इस वजह से मुलायम सिंह यादव की सीएम की कुर्सी छिन गई। दूसरी तरफ कांशीराम की तबीयत खराब थी तो गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती थे। यही वो वजह थी जहां से मायावती के सीएम बनने की राह बनी और सपा से गठबंधन तोड़ना ही गेस्ट हाउस कांड का कारण बना। दरअसल हुआ यूं कि बीमार कांशीराम ने मायावती को बुलाकर कहा कि तुम उत्तर प्रदेश की मुखिया बनोगी, लेकिन इस बात पर मायावती को विश्वास नहीं था। फिर कांशीराम ने मायावती को बीजेपी के सपोर्ट का लेटर दिखाया और कहा कि सपा से गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ आने पर तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना तय है। ये वक्त था मई 1995 का। फिर क्या था, मायावती ने सीएम बनने के ख्वाब पाल लिए और निकल गई लखनऊ। जून 1995 को मायावती राज्यपाल मोतीलाल वोहरा के पास पहुंची और सपा से गठबंधन वापस लेने और बीजेपी के समर्थन वाली चिट्ठी उन्हें सौंप दी। इसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव इस बात से खफा होकर बदला लेने का इरादा करने लगे। अगले ही दिन यानी 2 जून 1995, जगह मीराबाई गेस्ट हाउस, समय दोपहर के करीब 3 बजे, बीएसपी की मीटिंग। बस इसी मीटिंग में वो कांड हुआ जिसे ना मायावती कभी भूल पाएंगी ना उत्तर प्रदेश। दरअसल बीएसपी की मीटिंग के बीच उसी दिन देश ने ऐसा कुछ देखा जिसने ना केवल भारतीय राजनीति का बदरंग चेहरा दिखाया, बल्कि मायावती और मुलायम के बीच ऐसी तलवारें खींची जिसकी वजह से दोनों के बीच कभी ना बनने वाली खाई बन गई। तो जून 1995 को हुआ कुछ यूं कि लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस कांड के कमरा नंबर 1 में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। अचानक से वहां सपा कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम पहुंचा जिसे देख रूह कांप जाए। मुलायम सिंह यादव ने बाहुबलियों की ऐसी फौज भेजी जिसका केवल यही काम था कि बीएसपी के 67 में से एक तिहाई विधायकों को कैसे भी अपनी तरफ लाना है। मुलायम से मिले आदेश के बाद गेस्ट हाउस में तांडव मचाया गया, कमरे में तोड़फोड़ हुई, अपशब्द बोले गए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और मायावती के साथ बदसलूकी भी की गई। आनंद फानन में मायावती को एक कमरे में सुरक्षा के लिहाज से बंद किया गया, लेकिन सपा की तरफ से गई बाहुबलियों की फौज ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जिस कमरे में मायावती बंद थी उसके दरवाजे पर कुर्सियां मेज तक लगानी पड़ी ताकि दरवाजे की कुंडी टूटने पर भी वो ना खुल सके। दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था, बीएसपी के कई लोगों की पिटाई हो रही थी, कुछ लहूलुहान हुए, कुछ भाग निकले। पुलिस अधिकारियों को फोन करके बुलाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। मायावती की जान हलक में थी, कोई उन्हें बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी बीच मीडिया ने अहम रोल अदा किया और मायावती के बचने की वजह मीडिया बनी। भारी संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों को सपा के लोग हटाने पर अड़े रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साथ ही लखनऊ के कई पुलिस अधिकारियों ने भी अपना फर्ज निभाया और बड़ी मुश्किल से भीड़ को वहां से हटाया। इसके बाद डर के साए में मायावती रात में वहीं रुकी। अगली सुबह यानी 3 जून 1995 को मायावती को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई और मायावती सूबे की पहली दलित मुख्यमंत्री बन गई। हालांकि इसके बाद भी सपा ने गठजोड़ जरूर लगाया, लेकिन गेस्ट हाउस कांड भारतीय राजनीति का एक बदनुमा इतिहास बन गया, जिसे याद कर भारतीय राजनीति में गुंडई का उदाहरण हमेशा दिया जाता रहेगा। मायावती तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए मुख्यमंत्री बन चुकी थी। मुख्यमंत्री बनते ही मायावती ने जांच के आदेश भी दे दिए। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड पर जांच बैठा दी। मायावती के मन में गेस्ट हाउस कांड की टीस हमेशा बनी रहेगी, जिसे कभी शायद कोई न भर पाए। यहां तक कि गेस्ट हाउस कांड के 24 साल बाद भी मायावती और मुलायम जब एक मंच पर नजर आए तब भी दोनों के बीच दूरियां कम नहीं हुई।
चाहे भले ही दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की हो। मैनपुरी के मंच पर माया मुलायम के साथ अखिलेश डिंपल भी नजर आए थे। अखिलेश डिंपल ने मायावती के पैर छुए और जीत का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन प्रचंड मोदी लहर में करारी शिकस्त हुई और एक बार फिर से दोनों के रास्ते अलग हो गए। मायावती ने तो अलग होते हुए यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि अखिलेश यादव को अभी राजनीति सीखनी चाहिए। बस फिर क्या था, इसी के साथ बुआ बबुआ के रिश्तों में आंच आ गई और मुलायम के साथ तो यह दुश्मनी 1995 से चलती ही आ रही थी, जिसका अंत शायद ही कभी हो सके। भले ही मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन मायावती उस गेस्ट हाउस कांड को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को सहमा कर रख दिया था, शायद उसे भुलाकर वो खुद के साथ कभी न्याय नहीं कर पाएंगी। तो यह किस्सा था उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बदनुमा कांड का, किस्सा मायावती मुलायम की अदावत का, किस्सा मायावती के मुख्यमंत्री बनने का, किस्सा था दो धुरविरोधियों का एक साथ आने के बावजूद दिल ना मिलने का, किस्सा था गेस्ट हाउस कांड का, जिसे मायावती कभी नहीं भुला पाएंगी। इसके साथ ही आज मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए या उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।